बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, हाउ आर यू? आई डू एक्सपेक्ट दैट यू पीपल बी फाइन, एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड गेनिंग मच नॉलेज फ्रॉम माय चैनल्स कंसेप्चुअल स्टैटिस्टिक्स। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू पीपल अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हिच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यू है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्पेस एंड इवेंट स्पेस। इज वेरी सिंपल है। A set of all the possible outcomes, all the probable outcomes, all the possible results of a random experiment is actually called sample space. ठीक है, हम जब random experiment perform करते हैं तो उसके जितने भी possible results होते हैं, जितने भी उसके probable outcomes होते हैं, उसके जितने मुमकिन नतायज आ सकते हैं, जब उसको हम एक set form में लिखते हैं तो उसको हम sample space के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कि अब ये event space क्या होता है। तो इसको हम ये डिफाइन करते हैं, अ सेट ऑफ ऑल इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट स्पेस। एक सैंपल स्पेस से जितने इवेंट्स एसोसिएटेड होते हैं, जितने इवेंट्स कनेक्टेड होते हैं, जितने इवेंट्स मुंसलिक होते हैं एक सैंपल स्पेस से, आप जितने इवेंट जो है वो डिफाइन करवा सकते हैं, उस तमाम इवेंट्स को जो हम एक जो है वो पैकेज नाम देते हैं, सही कंपोजिट, उसको फिर हम कहते हैं इवेंट स्पेस के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो कुछ डिफिनेशंस हो गई, हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं ताकि आपके जो ये माइंड के जो डिफरेंट क्यूरीज हैं, जो 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 कुछ बंदिश है ये जो है वो क्लियर हो जाए। तो एक डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि जब हम डाइस रोल करते हैं तो ये प्योरली रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। नोबडी कैन एक्सपेक्ट दैट विच नंबर विल बी ऑन द टॉप हियर। जब हम काइन टास्क सॉरी जब हम डाइस रोल करते हैं तो उस पर वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि आप एक डाइस रोल करें तो उस पर सेवन आए। तो हम एक डाइस रोल करके जितने भी उससे प्रॉबेबल रिजल्ट, जितने भी मुमकिन रिजल्ट उसके आते हैं, हमने उसको क्या किया, विद इन ब्रैकेट्स लिखा, विद इन पैरेंथेसिस लिखा। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, सैम्पल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अब ये इवेंट स्पेस क्या होता है? इस सैंपल स्पेस के अंदर आप डिफरेंट इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि इवन नंबर कौन से हैं, तो आपको इवन नंबर मिलेंगे। इसमें ऑड नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर भी मिलेंगे। इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, इसमें वो कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल बाई टू हैं, वो कौन से नंबर हैं जो ग्रेटर देन थ्री हैं, वो कौन से नंबर हैं जो लेस देन फाइव हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा आप इवेंट्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इन तमाम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इवेंट स्पेस के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने अक्सर मैं स्टूडेंट को देता हूँ कि जो लाइफ होती है ना, लाइफ ये भी एक किस्म की सैंपल स्पेस है। इसमें भी डिफरेंट किस्म के इवेंट्स आते हैं। देखिए, आप अब जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप देखते हैं आपका मुंह मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स आपके सामने होता है। आपको आपको अचीवमेंट भी मिलती है, फ्रस्ट्रेशन भी मिलती है, आपके सामने डेथ्स भी होती हैं, बर्थ्स भी होती हैं, ठीक है, बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, खुशी होती है, खुशी के आंसू गिरते हैं आपकी आंखों से, सही है, परेशानी के आंसू आपकी आंखों से गिरते हैं। तो लाइफ जो है वो डिफरेंट किस्म के इवेंट्स का जो है वो एक मजमू है। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे तो डेफिनेटली मेरी भी जितनी एज है इसमें भी मैं डिफरेंट इवेंट से गुजारा गया हूँ। तो लाइफ भी क्या होती है, डिफरेंट इवेंट से मिलकर बनती है। इसी तरह हम एक सैंपल स्पेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो उनको कलेक्टिवली फिर हम क्या कहते हैं, इवेंट स्पेस के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इसको डिनोट करना देखें तो इवेंट स्पेस को हम सिग्मा से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डियर्स, मुझे उम्मीद है कि ये माइन्यूट किस्म की जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।